कभी सोचा है कि किस्मत को लगता होगा वो कितनी फनी है कि दो लोग जब अच्छा खासा एक दूसरे से दूर जा चुके हैं और उसे अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर चुके हैं, तभी ये सारी किस्मत ही उन्हें फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन सामने आके करे क्या ये नहीं बताती। लेकिन जब किस्मत नहीं बताती कि क्या करना है तो उसे अपने हाथ में लेना ही पड़ता है। Students, I have to say, हमारे टाइम में the marking system was way more difficult. आप लोगों तक आते आते वो इतना इजी हो गया है कि पास होने से ज्यादा डिफिकल्ट फेल होना है। उसके बावजूद some students get careless and can't make it. Anyway, I'm not here to take any names. जो फेल हुए हैं उनके लिए रीचेकिंग एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के ऑप्शंस हैं। वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू ऑनर एलसीसी टॉपर ऑफ दिस ईयर। आद्या माथुर, thank you, Father. And second place goes to Jasmine Rai. नकली गोल्ड होता है ना, दिखता बिल्कुल असली है। घर में तो सब कितने खुश होंगे ना। आंटी तो खुशी से पागल ही हो गई होंगी। आई नो, हाँ पागल ही हो गई है। मतलब एलसीसी छोड़ दूँ मैं? सीरियसली? हाँ मैं एकदम सीरियस हूँ। एंड इट्स हाई टाइम आद्या कि तुम भी सीरियस हो जाओ। काफी टॉपर्स ऐसे ही करते हैं। प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करो और कोचिंग में फोकस करो और अगले साल तक आईआईटी निकालो। लगाओ ये। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं स्कूल? दो रीजंस हैं, अटेंडेंस और डिस्ट्रैक्शन। एक तो तुम्हारे स्कूल में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी है, वही स्कूल के टाइम पे तुम कोचिंग जा सकती हो और घर आकर सेल्फ स्टडी। सिंपल। और डिस्ट्रैक्शन? ओ, डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी है तुम्हारे स्कूल में? ये क्या ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं स्कूल? मम्मी पूरा बचपन बिताया है उस स्कूल में, आप क्या बोल रहे हो? कितनी अजीब बात कर रही हो तुम आद्या। 12th के बाद भी तो तुम्हें स्कूल छोड़ना ही था ना, तो इससे बेटर है कि आप छोड़ दो। कम से कम उस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन तो होगा। और मैंने तुम्हारे पापा से भी बात कर ली है, उनका भी यही मानना। आद्या हम तुम्हारी भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं। हाँ बट यहाँ रहते रहते मैंने 10th तो टॉप कर लिया है ना, आगे जाके भी वही कर लूंगी। ये स्कूल छोड़ना मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों करना है। अब तुम जिद पे अड़ गई हो तो बात करना ही बेकार है। मैं जिद कर रही हूँ? ये जिद नहीं है तो और क्या है आद्या? हाँ तो आप भी वही कर रही हो मम्मी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है। वैसे भी तुम अब बच्ची तो रह नहीं गई हो। एक उम्र के बाद ना पेरेंट्स को ही हार माननी पड़ती है। ठीक है,
अगले स्कूल टेस्ट में मेरे 90% से कम आए तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, वरना आप मुझे LCC में रहने दोगे। डील? अब मुंह मत फुलाओ, आप बोलो डील हाँ या ना। पक्का? इसके बाद कोई नया रीजन मत देना। कोई रीजन नहीं दोगी, प्रॉमिस। इससे अच्छा तो तुम सेकेंड ही आ जाती। तुम्हारे एक नंबर के चक्कर में मेरे घर वाले साल कर रहे हैं कि बेटी टॉपर नहीं है, तो अब छोड़ दोगी क्या स्कूल? नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। पर तुम्हारी मम्मी तो अड़ गई ना स्कूल छुड़वाने के लिए। हाँ तो अड़ ही रहे, मैं भी उनकी बेटी हूँ। अब मंडे टेस्ट होगा ना, उसमें भी बढ़िया मार्क्स ले आऊँगी। फिर मम्मी को पता चलेगा कि एज सच कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है यहाँ भी। वैसे भी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को तो तुम देहरादून छोड़वाई हो सैम। क्या हुआ? समर था तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया ना? हाँ हाँ, इट्स ओवर। चल। अरे कितना पढ़ोगी टॉपर मेम साहब? टॉपर नहीं हूँ मैं। तुम्हें पता है ना जितने तुम्हारे नंबर आए हैं कुल मिला के मैं और तन्मय दोनों खुशी खुशी पास हो जाते हैं उसमें। अरे बस करो, कितना पढ़ोगी यार, हो गए बोर्ड्स। 11वीं क्लास 10वीं और 12वीं के बीच की छुट्टियों जैसी होती है, इसे इंजॉय करो यार, पढ़ाई लिखाई लगा रखी है। अच्छा स्कूल के बाद चिकन पेलने चलना है? मंडे को टेस्ट है यार, उसके लिए पढ़ना है। अच्छा तो मंडे टेस्ट के बाद? मंडे टेस्ट के बाद की बात मंडे टेस्ट के बाद करें। भाइयों को भी थोड़ा पैंपर कर लिया करो साले। बंदी के लिए तुम्हारे पास चिकन का बजट है लेकिन हमें सोया चाप खिलाने में मौत आती है तुम्हारी। बताओ यार। हाँ तो चल लो तुम भी, बंदी तो चल नहीं रही है। बात बताओ बे, तुम दोनों का ऑफिशियल हो गया ना? हाँ मतलब देहरादून में ही हो गया था। मैंने कहा कि हमने एक दूसरे को अभी तक प्रपोज नहीं किया है, तो कह रही है किया क्यों नहीं, तो मतलब ऐसे इशारों इशारों में हो गया मामला, सेटल हो गया। अब क्या इश्तिहार छपाऊँ? कतई अखंड लल्लू आदमी हो क्या यार तुम? मतलब भाई हमारा फीमेल एक्सपीरियंस नेगेटिव में है, मान रहे हैं ठीक है, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि तुमको प्रपोज करना चाहिए था कम से कम। चल। हाँ तो हो तो गया ना प्रपोज। भाई प्रपोज एक्टिव हो, पैसे होना जरूरी है, क्या फर्क पड़ता है? तो एक्टिव पैसिव की बनाओ बत्ती तुम। प्रपोज करना यानी ऑफिशियल करना, समझे? हाँ। लड़कियों के मामले में ना प्यार करने से ज्यादा प्यार का इजहार करना जरूरी है। हाँ। समझे तुम? भाई यार ना टू स्टेप वेरिफिकेशन जैसा होता है, मतलब तुम अपने इजहार का OTP नहीं दोगे तो वो अपना प्यार कंफर्म कैसे करेगी? क्या हुआ, कुछ गलत बोले क्या हम? नहीं बात तो सही बोले तुम, लेकिन कतई घटिया कंपैरिजन था यार। सॉरी यार। चल ओके। यार ये प्रपोज मेरे बस का नहीं है यार, तुम लोग जानते हो। बात मानो मेरी और प्रपोज कर डालो, मौके पे चौके मार के ना कोई और लपक ले जाएगा उसे। उसके बाद खुद को कंट्रोल करना और सिचुएशन को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। पॉइंट सर। तो कर देते हैं फिर, प्रपोज कर देते हैं। चलो। तो भाई ऐसे उठ के चल दूं क्या, उठ के ले जाओगे क्या भाई? कुछ प्रैक्टिस करने दोगे मेरे को कि नहीं? बल्ला हाथ में तुम्हारी, आउट हो जाऊंगा भाई। ये बात भी सही। गेम खत्म होता है तब तक तैयारी कर ले। तुम्हारी भाई मेरी भाई तेरी भाई। प्रतीक तुम कहाँ थे? सॉरी
तो ठीक, मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ. क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ हाँ, एक्चुअली नहीं, पर हम हो जाएंगे. अरे अब क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ कहा? अब कोई छुपी तो नहीं हो रहा है? अरे उठते बैठते खाते पीते बस ताने ही सुनते आ रहे हैं हम. हमसे बेहतर तो वो लोग हैं जिनके घर वाले उनसे बात करना और घर से निकलना दोनों बंद कर चुके हैं. लेकिन एक हम है जो ना घर पे चैन से बैठ सकते ना घर से बाहर निकल सकते. ठीक यार, शांत हो जाओ, एग्जाम ही तो है, निकाल लोगे तुम. अच्छा, घर वालों के ताने भूल जाओ और बताओ क्या खाओगे. तुम कह रही हो भूल जाए, ये देखो घर वाले भूलने दे तब ना. हाँ पापा. हाँ बस, हाँ निकल ही रहे, अभी निकल रहे. हाँ हम आ रहे. हाँ निकल चुके, आ रहे. हाँ पहुंच जाएंगे. अब क्या हुआ? क्या क्या हुआ? फिर से ताने पड़ रहे, शहर भर में शंटिंग मारते फिर रहे हो, यही लक्षण है फेल होने के. सुनो यार, हम निकल रहे. इनफैक्ट जो भी हमारे बीच था ना वो बहुत अच्छा था. तुम एक काम करो, तुम हमसे भी अच्छा एक लड़का ढूंढो. देखो क्या है, वरना तुम हमारे जैसे बन जाओगी. एक कंटाप मारूंगी ना, सब होश ठिकाने आ जाएंगे. क्या ढूंढूं लड़का? ठीक यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है. ईवीएस का एग्जाम है, तुम निकाल लोगे. तुम एमसी शुक्ला हो यार. सोया, अभी हम जा रहे हैं. सॉरी बाय. अच्छा सुनो प्रतीक, स्टूडेंट्स लास्ट 2 मिनट्स. Sorry, Adhya. Rules are rules. Sir, please. Go. कैसा रहा एग्जाम? अच्छा नहीं गया यार. एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अधूरा रह गया. अरे वो लास्ट वाला क्वेश्चन, वो तो मुझसे भी नहीं हुआ. थर्मोडायनामिक्स है ही इतना घटिया. 4 मार्क्स की बात है, कोई बात नहीं. तू समझ नहीं रही है जोया, मम्मी से डील हुई है. 90% से कम मार्क्स आए ना तो मैं स्कूल से बाहर हो जाऊंगी. और 30 मार्क्स में से 4 मार्क्स गए तो 86.66%. यानी तुम स्कूल से बाहर? हाँ.
ऐसा कुछ नहीं होगा आद्या, आंटी मान जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जोया, डील हुई है मम्मी से, वो हमेशा निभाती है। मैं गई अब। ये पकड़। कहाँ जा रही है? सर, सर, एक्चुअली ना मेरा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अधूरा रह गया, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए ना। क्यों? सर, क्योंकि 90% से कम मार्क्स आए तो मम्मी स्कूल बदल देगी, तो प्लीज़। देखो आद्या बेटा, मम्मा स्कूल तो वैसे भी बदल देगी जब उनको पता लगेगा कि देहरादून से लखनऊ तुम अपनी ट्रेन मिस करके बस में रगड़ती हुई आई हो, और इसके लिए मैं तुम्हें बचा चुका हूँ, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, साले मेरी काट दी। अबे तुम्हारी थी क्या? बताया क्या नहीं भाई, चिरकुट होगा तई। साले इतनी तेज से काट, तो कहाँ पता चल रहा किसकी काट रहे हो किसकी नहीं काट रहे हो? लाइफ में ना तेरा ऐसे ही कटेगा, पता भी नहीं चलेगा तेरे को, देखना। तुम तो कितनी आसानी से हर बात को मुझसे कनेक्ट कर देते हो ना सालों। और नहीं तो क्या, कनेक्शन भी तो तुम्हारी जोड़ना है। हाँ तो जुड़ जाएगा ना, हुई तो थी उस दिन हम लोग की बात। करूँगा प्रपोज, टाइम तो दो, थोड़ा पीछे पड़ गए। पकड़। देख है राजत, ताने से मिलकर ना एक चीज़ तो मैं सीख गया हूँ कि जो मन में वो कह देना चाहिए। वेट मत कर यार किसी चीज़ का, आज में जीना यार। अब कल परसों पर टालते रहे तो दुनिया तो आगे निकल जाएगी, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। हैं, लास्ट ईयर है स्कूल का यार, अब लास्ट डे का वेट क्यों कर रहा है? तब तक तो देर हो जाएगी, बता रहा हूँ। हमें बहुत ज्ञान लपेट दिया भाई तुम, हमको तो इतनी समझदार नहीं लगी जितना तुमको बना गई। जाओ बे साले, क्या मतलब समझदार नहीं है? अरे तुम बहुत ज्ञानी हो भाई। भाइयों, कल करूंगा तुम्हारी भाभी को प्रपोज। Sit down. So, बच्चों, आपके टेस्ट की चेकिंग हो गई है, एंड आई एम ग्लैड टू से दैट मोस्ट ऑफ यू हैव रिफॉर्म्ड रीजनेबली वेल। अरे सर, रिफॉर्म नहीं, परफॉर्म। जितेश बेटा, तुम तो मत बोलो, अभी तुम अपना नंबर देखना, तुमको तो रिफॉर्म की जरूरत है। सो जैस्मीन 28, रोहित 26, जोया 25.5, करण 19, दीबा 23, आध्या 27। 27 यानी कि 90 यानी कि नो स्कूल चेंज। जितेश बेटा 9। तो हाँ, जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो रिफॉर्म करें और बाकी बेटर परफॉर्म करें। और हाँ, हर टीचर स्टेप्स के नंबर नहीं देता। सर, कैन आई बोरो जैस्मिन फॉर अ मोमेंट? एनीथिंग अर्जेंट? सर है तो अर्जेंट थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक लास्ट अनाउंसमेंट के बाद। सो बच्चों, एक अनयूजुअल न्यूज है, क्योंकि ज्यादातर लोग 11th में स्कूल छोड़कर जाते हैं, लेकिन इस बार कोई है जो 11th में हमें ज्वाइन कर रहा है, और सबसे अच्छी बात कि आप सब लोग उसे जानते भी हैं, इसीलिए वेलकम बैक वन ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट संविधान शर्मा। अब इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? मैंने तो बताया ही था कि जब किस्मत नहीं बताती कि क्या करना है, तो
तो उसे अपने हाथ में लेना ही पड़ता है।